आज हमारे साथ संजीव स्वामी जी हैं और आप आए हैं लातूर महाराष्ट्र से। उम्र है इनका 52 और जो दांत हैं वो है नहीं, अभी सब गायब है। अब गायब कैसे हुए, क्योंकि पारिया लग गया थोड़ा कम उम्र में ही, धीरे 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 हिल हिल के दांत जो है गिरते रहे, कुछ आपने फिर निकलवाए। क्योंकि जब चबाना खाना दुर्लभ हो जाता है, दांत इतना हिलते हैं, परेशानी होती है, तो फिर पेशेंट क्या करते हैं, निकलवा देते हैं। लेकिन जो ये इतना पीरियड जो होता है, उस पीरियड में क्या होता है कि जितने दिन पारिया रहता है वो हड्डी को, जैसे दीमक जो है ना हमारी लकड़ी को कुतरती है, वैसे पारिया के कीटाणु गलाते रहते हैं और हमारी जबड़े की जो हड्डी है वो जो है बहुत कम रह जाती है। तो वो काम आगे आकर के हम जैसे लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो है ना ऐसे ही हुआ, तो अभी आप आए कि डॉक्टर साहब मेरे को दांत लगवाने हैं, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छा मेरा काम करके दे देंगे। अब डायरेक्ट आए मेरे पास, किसी से और कोई सलाह नहीं ली है। अधिकतर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो और डॉक्टरों से घूम के सबसे सब मना कर देते हैं, भाई इसमें हो ही नहीं सकता, तो जो है ना। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कहते हैं हमें कहीं कुछ नहीं करना, हमें तो डॉक्टर के पास जाना है और वो अपना देखेंगे, अच्छा करेंगे, रिव्यू अच्छे हैं, लोग अच्छा संतुष्ट हैं और अच्छी उनकी तकनीक है। आप हमारे पास आए कल और हमने आपका एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, तो उसमें देख करके ये पाया कि जो करीब 5% जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उस हद तक जो है ना आपकी हड्डी जो है गली हुई है, काफी खराब है। एक और समस्या है कि आप डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट हैं। आज चेक किया है तो डायबिटीज आपका 300 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां से कोई निराश नहीं जाता, ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है, तो हम आपके दान लगाने वाले हैं। और आपका क्या करेंगे, अभी जो है ना हम इम्प्लांट लगाएंगे दोनों जबड़ों में, और ऐसा 10 से 15 दिन का समय लगेगा उसमें, इम्प्लांट 2 दिन में इम्प्लांट लग जाएंगे, उसके बाद में फिर नाप होंगे, जैसे दांत बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो नाप होंगे, नाप होकर के सेटिंग ट्रायल होंगे, और उसके बाद जब परफेक्ट एकदम तरीके से दांत फिक्स करके आपको लगा दी जाएंगे और फिर खाना खिलवाया जाएगा। ये सब प्रक्रिया 10 से 12, कोई खराब केस होता है तो 14 दिन 15 दिन के अंदर ही सब हो जाता है। तो ये हम करने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिए। जैसे अभी नहीं है, फिर इम्प्लांट लगने के बाद और उसके बाद दांत लगने के बाद में फिर आपके रिव्यूज लेंगे कैसा रहा, जिस उम्मीद से आए थे वैसा काम हो गया कि नहीं हो गया। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है ना अगर वीडियो इस तरीके पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नया जब वीडियो आता है तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आए। इस तरीके के वीडियोज जो काफी लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, जो है ना सब जगह से पेशेंट आते हैं, यूएसए, यूरोप से जो इम्प्लांट कराने, जो काफी लोग ऐसे हैं जो निराश सब जगह हो जाते हैं, यहाँ आते हैं और हम जो है उनका ट्रीटमेंट करके देते हैं, चाहे वो स्माइल डिजाइनिंग हो या इम्प्लांट हो, बाकी ट्रीटमेंट हो, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज हो। तो इस तरीके और वीडियोज देखने यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखिए, यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, वीडियो सेक्शन में जाइए और फिर उसमें आपको 150-200 वीडियो मिलेंगे, देखिए बहुत सारे वीडियो हैं, जो जो पसंद आए लोगों को शेयर करिए और आपको जो है ना काफी जानकारी उन वीडियोज में मिलेगी। तो सर शुरू करें, कोई डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई डरना नहीं है, नहीं, नहीं। आपके साथ देखिए कल जो है ना दांत लगवा के वो चले गए बढ़िया स्माइल खा चबा के, ठीक है, वो हाँ छत्तीसगढ़ वाले, हाँ। और अभी एक और देखो वो है, वो भी कहाँ बिहार से या कहाँ से आए मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उनका भी कल इम्प्लांट हो गया, आराम से घूम रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं करना, तकलीफ नहीं होने दूंगा, आपका काम अच्छे से करूंगा, ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे जब दांत लग जाएंगे तब आपका फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके चलिए, काफी पिचक चुकी थी, काफी जगहों पे हड्डी नहीं थी, लेकिन फिर भी एडवांस तकनीक से नर्व को बाईपास करके पीछे टेरिगॉइड में, नेजल में इम्प्लांट लगा करके, और आपको जो है जो भी 10-12 दिन का समय लगा होगा उसमें आपके फिक्स दांत इम्प्लांट लगा करके लगा दिए। तो अब संजय जी से पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, लुक कैसा हो गया, चबाने खाने का कैसा हो गया। उससे पहले मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, संजय जी का अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लोगों को शेयर करें,
और बाकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, 150-200 वीडियो हैं। डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें यूट्यूब पर, चैनल खुल जाएगा, उसमें वीडियो सेक्शन में जाएं, बहुत सारे इम्प्लांट के इसी तरीके से लोग जो महाराष्ट्र से आते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, सब जगह से आते हैं, तो उनका कैसा क्या परेशानी लेके आते हैं, कैसे उनका इलाज होता है, ये सब जो है ना उसमें बहुत सारी तकनीक और सब जानकारी दी गई है। तो वीडियोज को देखें, जो अच्छे लगे उनको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आते हैं संजय जी पर कि संजय जी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, दर्द परेशानी कोई सूजन लेके तो नहीं जा रहे हैं, बाकी कोई परेशानी तो नहीं है, तो संजय जी थोड़ा सा बताइए कैसा रहा, जिस अनुभव को सोच करके आए थे वैसा रिजल्ट हो गया। वो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा अभी तक का जी। वो इस सबसे क्या आया था मैं कि मेरे दांत वगैरह एकदम अच्छे हो। सर के वीडियो मैंने बहुत देखे, मुझे इतना अच्छा लगा वो वीडियो वगैरह जी, और मैं 100% मेरा अच्छा होगा वो हिसाब से मैं यहाँ पे आगरा में आया सर के पास। और इन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड वगैरह किया और बेहतर तरीके से वो ऊपर वाली की दिए नहीं सर से कि इनका 100% हाथ गुण इतना अच्छा है कि कैसा भी पेशेंट रन दो पूरा एकदम अच्छा कर देते उनको। हाँ, हाँ, हाँ। इतनी गारंटी है सर की। आपके साथ में और भी लोग सामने ही आपके बड़ी हिम्मत मिलती है कि जैसे जिनका आपका काम चल रहा होता है दूसरे लोग दान लगवा के जा रहे हैं कि जी मेरा तो हो गया बहुत अच्छा है संतुष्ट। हाँ, एक जबलपुर वाले करा के चले गए, झारखंड वाले आपके सामने चला के करा के चले गए, अब जो दिल्ली से आई है उनके लग रहे हैं, तो हमने उनसे बोला तो उन्होंने कहा नहीं मैंने एक दो लोगों से बात करी जिनके हो गए चबारे खा रहे, मुझे वीडियो में देखते ही है पर यहाँ बैठ के देख लिया तो बड़ी संतुष्टि। मैंने बोल दिया उनको, बोला डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं दर्द नहीं होता, कुछ नहीं, सर का हाथ एकदम परफेक्ट है, दर्द नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। तो अब सर कोई किसी तरीके की सूजन नहीं, कुछ सूजन वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। चबा के इतने समय बाद खाना खा के कैसा लगा? नहीं नहीं, रात को मैं खाना खाया दांत लगने के बाद, इतना बेहतरीन लगा मेरे को, तो मैं बहुत खुश हो गया। इतने दिन से अभी खाना नहीं खाया था, मैं अभी बहुत संतुष्ट होके यहाँ से जा रहा हूँ। मैडम साथ में आई इनकी? हो आ गए, तो उन्होंने स्माइल आपकी और देखा तो नहीं, अच्छा, नहीं वो तो बहुत 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 खुश हो गई वो। तो ऑब्वियसली होता है, और पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि एक जने खा रहे हैं और एक जने नहीं खा पा रहे, तो थोड़ा सा मन को ये लगता है, परिवार के सभी व्यक्तियों को लगता है कि भाई घर वाले, घर वाले सभी को लगता था कि पप्पा के पति के अपने दांत वगैरह अच्छे लगाए, तो वो हिसाब से वो लेके आए थे हमको, तो बहुत बहुत आपका एक्सपीरियंस वगैरह बहुत अच्छा रहा सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। महाराष्ट्र से काफी लोग आते हैं और मैं और उम्मीद करता हूँ जो लोग आपको देखेंगे वो उनको जो भी तकलीफ में है, जिनको लगता है कि भाई कहाँ जाएं कैसे जाएं, तो थोड़ा सा आगरा थोड़ा मुंबई या दिल्ली या पुणे बेंगलोर इनके मुकाबले छोटा शहर है। अच्छा, तो कोशिश लोगों को लगता है, मगर कैसा है सर तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना है जी कि बहुत एक्सपीरियंस है आपका, इसलिए कैसा भी पेशेंट आने दो वो आप बराबर ठीक कर देते हो उनको। चलिए सर, इतना 100% गारंटी है सर की। सर इधर रुकने वुकने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, स्टाफ वगैरह बहुत बेहतरीन है, कुछ तकलीफ नहीं हुई मेरे को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी ट्रेन है अभी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो है जो भी अपना दांत है बच्चे को चाहिए अब जिंदगी निकाल दे। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद।